केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ छात्रों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का कहना है कि सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम आज मजबूर होता है, और जो 27% छात्र आगे बढ़ते भी हैं, जो बड़ी मुश्किल से 12वीं पास करते हैं, और ये चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई हम करें, हम अपने भविष्य संवारे, उनके साथ क्या होता है? उन्हें रेगुलर कॉलेज की शिक्षा मिलती नहीं। उदाहरण के लिए मैं दिल्ली का ही उदाहरण लेते हैं, हम दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ पे 6 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं, लेकिन कितने बच्चों को कितने सीटें 12वीं के बाद 13वीं के लिए? सिर्फ 70,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जब 70,000 सीट है तो अप्लाई जब करेंगे तो कौन बच्चे पाएंगे? वही बच्चे पाएंगे जो आगे बढ़े हुए हैं, और हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों से ज्यादा जो प्राइवेट स्कूलों में उनकी स्थिति बेहतर है। तो सीधी बात है, जो पैसा खरीद रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में पढ़ेंगे, बाकी बच्चे या तो 6-6, 8-8 हजार में फैक्ट्रियों में काम करेंगे या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस में जाके पढ़ेंगे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ेंगे, इग्नू में पढ़ेंगे, और तमाम देश के जो गरीब मेहनत का छात्र हैं यहीं पे पढ़ते हैं, या तो जाके 12 से 14 घंटे की मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में होता क्या है, क्लासेस नहीं मिलते हैं, स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, कोई बेसिक सुविधा नहीं मिलती, सीधे सीधे शिक्षा के नाम पर मजाक होता है। इसीलिए हमारी जो मांग है, पहली मांग है कि केजी से लेकर पीजी तक सबको एक बराबर शिक्षा मिले, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा हो, दोनों साथ में पढ़े, शिक्षक का बच्चा हो या फिर चपरासी का बच्चा हो, मालिक का बच्चा हो, एक साथ पढ़े, मालिक का बच्चा हो या उसके अधीन काम करने वाले लोगों का बच्चा हो, सब साथ में पढ़े, दलित मजदूर बहुजन अमीर गरीब सभी साथ में पढ़ेंगे, तभी एक बराबर शिक्षा मिल पाएगी, बराबर मौका मिल पाएगा। सिस्टम सीधी बात है, कानून से लागू होगा। हमारे यहाँ शिक्षा राइट टू एजुकेशन जो 2009 में मिलती है वो भी अधूरी, सिर्फ 8वीं क्लास तक। हम कह रहे हैं कि जिसे पीजी तक राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं, और क्यों नहीं एक बराबर शिक्षा? हम तमाम एक देश, एक भारत, एक नाम, एक कानून, तमाम चीजों की रट लगाते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, एक देश एक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? समान और मूल शिक्षा व्यवस्था अगर सबको मिलेगी तभी हाशियाई हिस्से के छात्रों को मौका मिल पाएगा। हमारी जो दूसरी मांग है, केजी से पीजी के बाद जो दूसरी मांग है कि जो छात्र अनौपचारिक माध्यम में पढ़ रहे हैं उन्हें बराबरी का मौका मिले, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, जो लोकल स्थानीय राज्य विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जो लोकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उन्हें मौका मिले। इसीलिए हम सीधे लिख कर कहते हैं, समान और अच्छी शिक्षा और रोजगार के अधिकार के लिए हमें सामने आना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। इसको लेकर क्रांतिकारी युवा संगठन संघर्ष कर रहा है, मजदूर वर्ग के युवाओं के बीच में, दलितों के बीच में, बहुजनों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, और हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। स्तर पर इकट्ठा हुए हैं और भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे
छात्र और शिक्षक मौजूद हुए हैं, क्योंकि आज के दौर में शिक्षा बेच दी गई है। इससे सीधा सीधा सवाल बनता है कि सरकार जो सरकार चलाती है उसका बच्चा पढ़ने कहाँ जाता है? सरकारी स्कूल में तो नहीं जाते हैं, भले वो सरकारी स्कूल का शिक्षा मंत्री होते हैं लेकिन उनका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। तो ये बहुत बड़ी दोहरी शिक्षा नीति है जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में एक बड़ी खाई बन के मौजूद है हमारे बीच में। किसी घर को बनाने के लिए हमारी नींव ही कमजोर होगी तो वो घर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। तो हमारी शिक्षा की जो नींव है बहुत कमजोर है दोहरेपन के कारण, वहीं से स्कूली शिक्षा नीति के कारण से ही हमारी शिक्षा नीति एक तरीके से कमजोर हो चुकी है। और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं जो पहुंच नहीं पा रहे हैं। 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लाखों की संख्या में 12वीं पास जो कर रहे हैं छात्र, वो हायर एजुकेशन में अपना दाखिला लेना चाहते हैं, रेगुलर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको दाखिला नहीं मिल रहा है क्योंकि सीटों की कमी बहुत है। शिक्षा का जो निजीकरण सरकार ने कर दिया है उसमें फीस की बढ़ोतरी हो गई, व्यापारीकरण कर दिया है। तो जिसके पास पैसा है, यानी कि शिक्षा खरीदी और बेची जा रही है, जिसके पास पैसा है वही शिक्षा को खरीद रहा है, जिसके पास नहीं है वो शिक्षा से वंचित होकर के ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी SOL, अलग अलग पूरे भारत में जो ओपन संस्थान चल रहे हैं उसकी दुकान खोल दी गई है, जिसमें सरकार मुंह मांगा पैसा ले रही है। और एक तरीके से बच्चों का सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी है, जो अपना पैसा इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए देने के बाद उनको उसके बदले में एजुकेशन नहीं मिल रहा है। उनके बदले में उनको मिलता है बिना टीचर की क्लास, उनको बदले में उनको मिलता है बिना सही मटेरियल के, उनको ऐसा किताबें दे दी जाती है जो अपडेट नहीं होता, जिसको पढ़ने के बाद छात्र फेल हो जाते हैं, ना तो उनको किताबों के माध्यम से वो पढ़ पाए एकदम एट अ टाइम, दो दिन पहले, चार दिन पहले, हालांकि जिस दिन एग्जाम है उस दिन तक किताबें बांटी गई हैं, और वो किताबें पढ़ के कोई छात्र पास नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपडेट नहीं है। तो ये दिखाता है कि एजुकेशन में जिस तरीके का खोखलापन सरकार ने मौजूद किया है वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। देश के युवा जागरूक हो रहे हैं, हम क्रांतिकारी युवा संगठन के जो सदस्य अलग अलग बस्तियों में, इलाकों में छात्रों को लामबंद करने का कार्य कर रहे हैं, उनको आंदोलन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारी डिमांड है KG से लेकर PG तक, जैसे कि हमारे साथी ने काम किया, बार बार कहेंगे क्योंकि डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे और जब तक हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। KG से लेकर PG तक सभी स्टूडेंट्स को, जो अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी नेता का बच्चा हो या मुख्यमंत्री का बच्चा हो या शिक्षा मंत्री का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का बच्चा हो या उसी यूनिवर्सिटी का चपरासी का बच्चा हो या सफाई कर्मचारी का बच्चा हो या वहाँ के गार्ड का बच्चा हो, जब तक एक ही स्कूल में नहीं पहुंच जाता, एक ही समान एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन की पॉलिसी में स्कूली शिक्षा, समानता शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और हमारी लड़ाई वहाँ तक भी है कि जो व्यापारीकरण, निजीकरण जो शिक्षा का हो रहा है, 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको खारिज करने तक की हमारी लड़ाई है। और हम ये डिमांड लेकर के जंतर मंतर पे आज इकट्ठा हुए हैं। और अपनी बात खत्म करते हुए मैं आखिरी बार ये कहूंगी कि समान शिक्षा लागू करके रहेंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक पूरे भारत के, चाहे वो मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको समान शिक्षा नहीं मिल जाती, तब तक हम लड़ेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।